स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। आज हम सीखेंगे चूड़ीदार की कटिंग कैसे होती है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे तो हमने सोचा चलो इसके बारे में एक वीडियो बना देते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे काटना सीख जाएंगे और सिलना भी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक कपड़ा है, ये करीब 2.5 मीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई हम रखने वाले हैं 50 इंच और मोहरी 10 इंच, 10 का आधा 5। ये देखिए ये 2.5 मीटर है। चलिए ये डबल फोल्ड है, ये 2 है डबल किया हुआ है और इसे हम इस तरीके से तिरछा रख लेंगे। ये देखिए चूड़ीदार हमेशा उरेब होती है, यानी तिरछी होती है और तिरछी में बहुत खूबसूरती लगती है, इसलिए हम तिरछा काटेंगे और पहनने में भी आसानी होती है तिरछी। चलिए इसे ऊपर रखते हैं और इस बाजू नीचे। ये देखिए 5 इंच। चलिए यहाँ पे स्केल का मार्क कर देते हैं। ये देखिए मोहरी 5 इंच हमने रख दिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई हम लेने वाले हैं 50 इंच, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ज़मीन पे मार्क करना पड़ेगा। तो चलिए ये थोड़ी दूर हो जा रही है तो इसको हम थोड़ा सामने ले आते हैं और आपको अच्छे समझाते हैं कैसे कटेगी। ये देखिए यहाँ पे नीचे के साइड हमारा कपड़ा घट रहा है। चलिए 50 इंच पहले से नाप लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए 50 इंच हमने उस पर मार्क कर दिया। ये देखिए आपको जितनी ज़्यादा रखना है आप उस पर इस तरीके से मार्क कर दीजिए। अगर आपका बोर्ड मार्केबल नहीं है तो आप नीचे न्यूज़पेपर रख के आप कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से हम बताएंगे। ये देखिए वहाँ पे मार्क हो गया। अगर नहीं है तो ये न्यूज़पेपर आप इस तरीके से देकर और यहाँ से आप इस तरीके से मार्क कर दीजिए, ठीक है। और ये सिर्फ समझने के लिए है कि हमें कपड़ा कहाँ तक चाहिए। चलिए जितनी चौड़ाई आपको रखनी है हम 11 इंच रखते हैं और यहाँ से मियानी आप जितना रखना चाहते हैं। ये देखिए हम नॉन मियानी रखना चाहते हैं, यानी कि थोड़ी सी गोल कर देंगे हम तो हमें मियानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए पैंट की तरह गोल। और अगर आप मियानी रखना चाहते हैं तो इसे सीधे कर दें और मियानी लगा दें, सिंपल, ठीक है। तो हम इसे गोल करते हैं। ये देखिए गोल और यहाँ से नीचे की साइड राउंड होते हुए आ जाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से कट जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसका लाभ उठा सके और सीख सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इसे काट देते हैं यहाँ पे राउंड। बहुत ही आसान तरीका है ये। ये देखिए हमने इसे काट दिया। ये देखिए नीचे की साइड कट चुका है, अब हमें ऊपर की साइड बनाना है। तो देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। ये हमने डबल छुड़ा दिया इसे
देखिए ये नीचे साइड कपड़ा एक साइड नहीं है, तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पे हम बैठाएंगे कि वो हमारा कपड़ा मैनेज हो जाएगा। ये देखिए ये कोरी साइड आप पकड़िए यानी किनारी साइड, और इस तरीके से रखिए आप तिरछी। ये देखिए आपको इस तरीके से रखना है कि एक इंच ये चढ़ा हुआ रहे, ध्यान रखें बराबर ना रखें, एक इंच ज़्यादा रहे चढ़ा हुआ रहे, ध्यान से एकदम बराबर पे उसे, जब वो सिलेगी तो वो बराबर आ जाएगी। ये देखिए हमें तो जॉइंट करने का भी कपड़ा चाहिए ना, तो इसीलिए उसे ज़्यादा रखा जाता है बस। ये देखिए ये हो गया, और अब यहाँ पे इसे हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये भी एक इंच ज़्यादा रहेगा। ये देखिए अब जहाँ पे मार्क था वहाँ पे हम मार्क कर देंगे, इस तरीके से मार्क कर दीजिए। ये देखिए ये देखिए मार्क हो गया, चलिए इसे काट देते हैं। ये देखिए काट दिया हमने, और एक साइड छोटा हो रहा है। ये देखिए एक साइड बाकी रह गया, बचा हुआ कपड़ा आप इस पे यूज करेंगे, वो भी इसी तरीके से एक इंच चढ़ा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए उस पे जो घटेगा उस पे लगा देना है, नहीं घटेगा तो नहीं लगाना है। ये देखिए इसको याद कैसे रखे कि किसको किस में जोड़ना है, चलिए बताते हैं। यहाँ पे आप गोल निशान लगाएं और यहाँ पे भी, ये देखिए यानी कि जो राउंड है वो राउंड से जुड़ेगा, और उल्टी साइड क्रॉस और क्रॉस 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 में जुड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये कोड का काम करेगा, कोड की तरह यूज कीजिए। ये चौक का ये देखिए निशान हमने लगाया बड़े पल्ले का जॉइंट के लिए, जो बताएगा कि हमें इसे ऊपर रखना है, ये निशान ऊपर ही रहेगा ये हमें बताएगा। ये देखिए इस तरीके से जुड़ेगा, आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखिए पूरा पैनल तैयार हो चुका है चूड़ीदार का, किस तरीके से आप देखिए बहुत आसानी से। ये देखिए छोटा वाला, देख सकते हैं आप ये इस तरीके से पूरा तैयार हो चुका है। एक थैले वाली डिजाइन हमने बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वो इससे बहुत आसान है। चलिए मशीन पर आ गए हम। ये देखिए किस तरीके से जुड़ेगी, ये देखिए क्रॉस का निशान हमने लगाया था, ये ऊपर का भाग है। देखिए ये उल्टा से देखिए मैच नहीं हो रहा है, अब क्या करें, तो इसको इस तरीके से लगाएगा कि सब कुछ मैच हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये आपका राउंड सीधे पे आ जाएगा। चलिए इसे क्रॉस टू क्रॉस जोड़ लेते हैं और इसे राउंड टू राउंड। ये देखिए ये हमारा जोड़ चुका, अब देखिए बड़े वाले को किस तरीके से जोड़ते हैं। ये देखिए निशान हमने लगाया था, ये दो है एक साइड में रखते हैं, निशान वाले को हमेशा ऊपर करना है, और ये इस टाइप से, ये देखिए ऊपर, और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इक्वल आएगा, अगर आपने इक्वल बैठाया है तो पूरा ही इक्वल आएगा,
और ये बहुत ही आसान है। ये देखिए ये पूरा तैयार हो गया, वन साइड देख सकते हैं आप। ये देखिए जॉइंट कितना अच्छा बैठ गया, सॉरी ये देखिए दोनों साइड बराबर। ये देखिए चलिए छोटा बड़ा अगर हो तो सेव कर लें आप। चलिए दूसरी साइड, अगर पहली बार बना समझ आया तो दूसरी वाली बनाते हैं। ये देखिए राउंड का निशान और ये राउंड 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 आपको मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से सॉरी ये देखिए छोटा वाला हमने जोड़ लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका ये छोटा वाला आए ही, अगर लंबाई आप कम रखते तो ये नहीं भी आता और ज़्यादा रखते तो और ये बड़ा आता, ऐसा है इसमें सिस्टम। चलिए इसको इस पे जोड़ लेते हैं, ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। ये देखिए चलिए इसे जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये पूरा पल्ला तैयार हो गया। ये देखिए दोनों साइड का। चलिए अब जिस तरह पटियाला सिलते हैं या फिर चूड़ीदार सिलते हैं उसी तरीके से ये बनेगा पूरा। ये देखिए अगर आप यहाँ पर नाड़ा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 इंच खुला छोड़ दें, और मैं तो रबड़ वाला बनाने वाला हूँ तो मैं ये पूरा सिल दूँगा। इसमें इलास्टिक लगाने वाला हूँ इसलिए इसमें होल नहीं छोड़ूंगा मैं। ये देखिए ये पूरा सिल गया। अब दूसरी साइड, ये देखिए चलिए दूसरी साइड भी हो गया, डबल सिरा लगा देते हैं थोड़ा मजबूती के लिए। चलिए इसे फोल्ड कर देते हैं, ये मोहरी की साइड है देख सकते हैं आप। नीचे इसे मोड़ते वक्त ध्यान रखें नीचे का पल्ला खींचे ऊपर का लूज रखें, नहीं तो ये मुड़ सकती है ऐंठ सकती है। ये देखिए ये हो चुका है। अब चलिए पहले आप बीच पे एक जॉइंट लगाएं, कभी भी सलवार सूट जो भी सिए चूड़ीदार हो पटियाला हो बीच में सबसे पहले एक जॉइंट लगाएं। ये देखिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर आप नीचे से सिलना शुरू करें। चलिए मोहरी नाप लेते हैं, ये देखिए। चलिए हम 11 रख दिए हैं, चलिए इसे सिल देते हैं। चलिए अगर ये कपड़ा जो है ये हम जेंट्स का चूड़ीदार बनाने वाले हैं इसलिए हम यहाँ पे हुक नहीं लगा रहे हैं। अगर आप हुक वाला सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम वो भी बता के दिखाएंगे। ये शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, अगर हुक वाला चाहिए तो वो भी हम बना के दिखा देंगे। इसके बाद हमारा नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ रबड़ लगाना बाकी रह जाएगा। अगर वो आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इलास्टिक का भी आसान तरीका से लगाया जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये चूड़ीदार।
ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, देखिए जॉइंट अपोजिट सब कुछ परफेक्ट है, कोई मुड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर राउंड, और ये भी बहुत ही खूबसूरत। देखिए इलास्टिक है ये, आप जब भी काटें तो जितना आपका कमर है, सपोज कि आपका 30 कमर है तो आप इसे 25 इंच काटते, 5 इंच आपको ये टाइट रखेगी, ठीक है। अब इसे लॉक कर देते हैं, ये देखिए लॉक हो गया। अब इसे एक बार हम फोल्ड कर देते हैं ताकि आसानी हो। चलिए इसे हम लॉक कर देते हैं। ये देखिए इलास्टिक भी बहुत आसानी से लगता है। ये देखिए लगा दिया। अब इसे हमने इस तरह रखा और यहाँ पे इस तरीके सिले कि रबड़ पे धागा ना चले। ये देखिए इलास्टिक पे हमारा सिलाई नहीं चलेगा। सपोज कि कपड़े से कपड़े की सिलाई हो रही है, इलास्टिक यूं ही फ्री है, उसे हम किस तरह मैनेज करेंगे देखिए आप। आपके रबड़ पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए आप सरकाएं से और कपड़े को मैनेज करें। ये देखिए इलास्टिक को खींच लिया हम, ये देखिए पूरा एकदम गोल सीधे इसको। ये देखिए चलिए अब इसे मैनेज करते, थोड़ा सा मिलाते हैं इसको। आप इसको इस तरीके से खींचिएगा हल्के हाथों से तो ये आपका चारों तरफ मिल जाएगा। ये देखिए चारों तरफ बराबर हो गया, देखिए ये बराबर हो गया, ये देखिए सेम। अब चलिए इस पर एक सिलाई चलाते हैं बीचों बीच। ये अब कपड़े को टाइट पकड़िए आप ताकि सरके नहीं, रबड़ के साथ ही वो हो। देखिए आप दोनों को साथ पकड़े, ध्यान रहे दोनों को साथ। ये देखिए जो जहाँ का पोजीशन है वो वहीं रहना चाहिए, खींचे पीछे से और आगे से भी, मशीन को सिर्फ इशारा दें। ये देखिए चलिए फिट हो गया। ये देखिए हमारा तैयार हो गया। ये देखिए फुल चूड़ीदार इलास्टिक के साथ तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन। ये देखिए बहुत ही आसानी से। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें। और यहाँ पे भी आप हमारे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, आप क्लिक करके देखें प्लीज और सीखें किस तरीके से हर चीज़ आसानी से हो सकता है। क्योंकि हमारे चैनल का नाम है इजी सिलाई सेंटर। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।